फ्रेंड्स, मैं हूं मधु। मैं मिर्च मसाला में आपका स्वागत करती हूं। मैं आज आपको साबूदाना के खीर बनाना सिखाने वाली हूं। इसके लिए चलिए मैं आपको अपने किचन ले चलती हूं और हम लोग शुरू करते हैं। मिर्च मसाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साबूदाना की खीर बनाना सिखा रही हूं, जो व्रत में हम हर व्रत में इसका उपयोग करते हैं। इसके लिए हमें साबूदाना चाहिए। हमें मार्केट में दो तरह के साबूदाना मिलता है, एक छोटे दाने वाले, एक बड़े दाने वाले। छोटे दाने वाले को आपको एक घंटा पानी में भिगो के रखना है, उसके बाद उसको धो करके हम उसका यूज़ करेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये बड़े दाने वाले साबूदाना है, इसलिए मैं इसे दो से तीन घंटा इसे पानी में डाल के रखी थी, उसके बाद मैंने इसे धो लिया है। अब हम गैस पर मैंने हाफ लीटर दूध को उबाला है। अब हम इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा दूध थोड़ा उबलने लगा है। अब हम गैस को हमेशा धीमी आंच पर ही रखेंगे। ये अब दूध उबल चुका है। अब मैं इसमें ये साबूदाना इसमें डाल दूंगी, जो मैंने एक और आधा कप लिया है। मैंने सारे साबूदाने को इस दूध में डाल दिया है। गैस को हमें सिम पे रखना है और हम इसे धीरे धीरे गैस पे ही हम इसे थोड़ा धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ये हमें 5 से 10 मिनट तक हमें इसे चलाते ही रहना है। देख रहे हैं कि हमारा दाना बड़ा बड़ा हो गया है और थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है, यानी कि हमारा साबूदाना पक चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। चीनी आप जितना पसंद करते हैं मीठा, उस हिसाब से आप इसमें डालिए। इस साबूदाना में चीनी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और अब आप इसे चला दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। और आपको ये साबूदाना ठंडा करके खाना है, गर्म ही खाना है, या आप अपने पसंद के अनुसार से कर सकते हैं। आपका साबूदाना का खीर तैयार है सर्व करने के लिए।